हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मास्टरमाइंड। फ्रेंड्स, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के हम लोग चैप्टर नंबर 2 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। इसमें हम लोग एस्टीमेट के जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी का वर्णन करेंगे, उनके बारे में एक एक करके समझेंगे। इससे पहले आप में से जो लोग वीडियो फर्स्ट नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने एस्टीमेट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। एस्टीमेट क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, साइट प्लान क्या होता है, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, वैल्यूएशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने वीडियो फर्स्ट में पढ़ लिया है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप जाके वीडियो फर्स्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, यानी एस्टीमेट के प्रकार। एस्टीमेट को हम लोग वैसे बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, प्रीलिमिनरली या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, प्रारंभिक प्राक्कलन इसे बोलते हैं। दूसरा है रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट या प्लिंथ एरिया पर वो भी बेस्ड। नेक्स्ट है रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट ऑन क्यूबिकल कंटेंट, ये दोनों लगभग सेम ही, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके किसके बारे में क्या क्या है। और है चौथा क्या है, डिटेल्ड एस्टीमेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट यही होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। नेक्स्ट क्या है, एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, वार्षिक मरम्मत प्राक्कलन। अगला है स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट, विशेष मरम्मत प्राक्कलन। नेक्स्ट है रिवाइज एस्टीमेट, संशोधित प्राक्कलन। और अगला है लास्ट सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, पूरक प्राक्कलन। इन सभी के बारे में चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए, प्रीलिमिनरली या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें मंजूरी लेनी पड़ती है उससे रिलेटेड सक्षम प्राधिकारी से। तो उस मंजूरी को लेने के लिए हमें प्रस्ताव भेजना होता है, और उस प्रस्ताव में क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड उसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है, उससे रिलेटेड उसकी जानकारी, उसका प्लान, उसकी जो भी एलिवेशन की ड्राइंग जो भी है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उस प्रस्ताव में लिखी जाती हैं। तो कितना पैसा खर्च हो रहा है उस पर्टिकुलर वर्क में, उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके लिए हम लोग एस्टीमेट करते हैं। तो जो वो एस्टीमेट किया जाता है सक्षम मंजूरी प्राधिकारी को प्रस्ताव की लागत का विचार देने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरली एस्टीमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरली एस्टीमेट। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि यह जो एस्टीमेट होता है, वित्तीय पहलू की नीति तय करने और सक्षम मंजूरी जो प्राधिकारी होते हैं उनको प्रस्ताव की लागत का विचार देने के लिए जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है उसे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्यों पड़ा, ये भी बात आती है। तो जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट इसलिए, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो क्षेत्र में पहले से पूर्ण हुए रीसेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ पर हमारा बिल्डिंग बन रहा है उसके आसपास में जो रीसेंट कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, पहले से जो बिल्डिंग या जो भी निर्माण वो हो चुका है, उससे प्राप्त डेटा के अनुसार करते हैं। इसलिए जो रिजल्ट मिलता है वो अप्रॉक्सीमेट मिलता है, इसलिए हम लोग प्रीलिमिनरली एस्टीमेट को अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीलिमिनरली एस्टीमेट होता क्या है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं क्या है कि किसी भी निर्माण कार्य में सीवर लाइन, विद्युत आपूर्ति, वाटर सप्लाई, रोड सर्विसेस आदि सुविधाओं को सम्मिलित करके यह एस्टीमेट तैयार किया जाता है। तो ये जो एस्टीमेट तैयार करते हैं, इसमें हम लोग वहाँ पर जो सीवर लाइन आएगी,
विद्युत आपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होगा, वाटर सप्लाई, रोड सर्विसेज, इन सभी सुविधाओं को सम्मिलित करके करते हैं जो रिसेंट कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं उसके अनुसार। इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेट इस्टीमेट कहते हैं और इसी को हम लोग प्रिलिमिनरली इस्टीमेट भी कहते हैं। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी शायद। अब इसकी करने की जो है 3 विधियाँ हैं, ठीक। इसको करने की हमारे पास 3 विधियाँ हैं। पहला है प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, तीसरा है यूनिट बेस मेथड। एक एक करके चलिए हम इसको भी समझते हैं, राइट। तो फर्स्ट है क्या, प्लिंथ एरिया मेथड। अब ये प्लिंथ एरिया मेथड क्या होता है? हम लोग एस्टीमेट जो करते हैं वो प्लिंथ एरिया के हिसाब से करते हैं। ये कर रहे हैं हम लोग प्रिलिमिनरली एस्टीमेट, उसको हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं? तीनों विधियों से करते हैं। तो पहली विधि जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, प्लिंथ एरिया मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें जहाँ पर जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बना है, अब उसका आपको प्लिंथ एरिया तो पता ही होगा, मान लेते हैं इसका प्लिंथ एरिया जो भी था, ठीक। अब प्लिंथ एरिया मान लेते हैं इसका था 500 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमें ये पता है कि जो प्लिंथ एरिया रेट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, मान लेते हैं 10 10 रुपये मान लेते हैं वैसे। तो अब हम लोग इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 मीटर स्क्वायर का पता लग जाएगा, यानी 5000। तो इस प्रकार से हम लोग इसका एस्टीमेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका प्लिंथ एरिया पता करेंगे। जब प्लिंथ एरिया हमें मिल जाएगा, प्लिंथ एरिया मिलने के बाद हम लोग प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी पर्टिकुलर प्राइस मिल जाएगी कि इतना रुपया इसमें लगेगा। तो इसके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड 3861 1966 के अनुसार कौन कौन से एरिया को हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें प्लिंथ एरिया मेथड में हम लोग कौन कौन से एरिया को सम्मिलित करते हैं और किसको नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पहला है फर्श तल का क्षेत्रफल, फर्श तल पर दीवारों का क्षेत्रफल, इसको भी प्रयोग किया जाता है। नॉन कैंटिलीवर टाइप के पोर्चेस जो होते हैं उसको भी, छत तल पर बरसाती का क्षेत्रफल उसको भी, इंटरनल शाफ्ट लिफ्ट जैसे हो गया, एयर कंडीशनिंग डक्ट हो गए, उसका क्षेत्रफल जो 2 मीटर से अधिक ना हो, ठीक। अगला क्या है, और किसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, जो मैंने ऊपर बताया, लक लिफ्ट हो गया, एयर कंडीशनिंग डक्ट हो गया, नॉन कैंटिलीवर टाइप पोर्चेस हो गए, इन सभी को हम लोग सम्मिलित करते हैं उस एरिया को कैलकुलेट करने में। लेकिन किसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, वो होता है जैसे लॉफ्ट का क्षेत्रफल, गांव में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टाड़ बोलते हैं, टाड़ का क्षेत्रफल, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। बंद बालकनी का क्षेत्रफल इसको भी नहीं करते। आर्किटेक्चरल बॉन्ड्स कॉर्निस इसको भी नहीं करते। छत पर बने गुंबद डोम व टावर का क्षेत्रफल इसको भी नहीं करते। बॉक्स लोवर व ऊर्ध्वाधर सन ब्रेकर्स का क्षेत्रफल इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते। क्या करने के लिए, प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स इतनी चीज़ें प्लिंथ एरिया मेथड के अंतर्गत आती हैं। प्लिंथ अगर प्राइस निकालनी है हमें, तो प्लिंथ एरिया रेट से हम लोग प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, प्लिंथ एरिया मेथड के द्वारा इस्टीमेशन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट मेथड क्या आता है, नेक्स्ट मेथड है आपका क्यूबिकल कंटेंट मेथड। कौन सा, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहले तो ये जो मेथड होता है ये सब बहुमंजिला भवनों के लिए होता है, मतलब बहुत सारी मंजिला हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। कौन सा मेथड, हम लोग क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, जो भी उसका क्षेत्रफल है, जैसे जो भी था हमारा, इसको हम लोग माप लेंगे। मापने के बाद जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा उसके बाद इसकी जो हाइट होगी, टोटल हाइट, अब जब हम किसी एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वैल्यूम बनता है कि नहीं बनता, वैल्यूम बनता है। तो वैल्यूम का मतलब क्यूबिकल, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इसमें हम लोग करते क्या हैं,
एरिया हमें पहले से पता रहता है, एरिया में उसकी हाइट से, क्योंकि बहुमंजिला भवनों के लिए उपयोग हो रहा है, तो बहुमंजिला भवन तो हाइट हो जाएगी मान लीजिए 20 मीटर, 30 फीटर, जितनी भी हाइट होगी उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका वैल्यूम मिल जाएगा, उसी हिसाब से इसका रेट मिल जाता है। अब उसमें क्या पता रहेगा हमें, पता हमें रहेगा कि 1 मीटर क्यूब का इतना है तो इतने का कितना हो जाएगा, इसी हिसाब से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है प्लिंथ एरिया मेथड, जो अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिट बेस मेथड, इससे अधिक एक्यूरेट होता है कौन सा, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तो सबसे एक्यूरेट मान लेते हैं प्रिलिमिनरी इस्टीमेट करने के लिए कौन सी मेथड होती है, क्यूबिकल कंटेंट विधि। ठीक, इसमें क्या करते हैं, एरिया को हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसी के हिसाब से हम लोग प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यूम मिलेगा वैल्यूम को हम लोग पर मीटर क्यूब के हिसाब से रेट लगा के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी प्राइस पूरी पता लग जाएगी। ठीक, नेक्स्ट मेथड क्या आता है, अगला मेथड है यूनिट बेस मेथड। ये सब लोग हम लोग अप्रॉक्सीमेट इस्टीमेट के मेथड हैं करने के, यूनिट बेस मेथड लास्ट है। इसमें स्ट्रक्चर की लागत कुल यूनिट्स की संख्या को प्रत्येक आइटम की यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर की प्राइस पूरी पता करते हैं वो कैसे पता करते हैं, जितनी भी यूनिट रहती हैं। ठीक, अब ये यूनिट क्या होता है अभी आगे समझेंगे, पहले इसको हम जान लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी यूनिट रहेंगी उन यूनिट को पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी प्राइस टोटल मिल जाएगी। ठीक, अभी यूनिट क्या होता है, तो जैसे यूनिट आपको समझाते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, स्कूल कॉलेजों में यूनिट के रूप में हम लोग एक स्टूडेंट क्या लेते हैं, तथा हॉस्पिटल में क्या है, 1 बेड लेते हैं। अभी 1 स्टूडेंट 1 बेड क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट के लिए इतना रुपए का खर्चा आता है, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले मान लीजिए 500 विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी के लिए जितना एक विद्यार्थी का खर्चा आता है मान लीजिए आता है 1,000, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस हिसाब से हमारा इस्टीमेट तैयार हो जाएगा। अब जैसे 1 बेड है, ठीक, ये हॉस्पिटल के केस में बता रहा है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ठीक, कोई हॉस्पिटल है, इसमें हैं टोटल 400 बेड, 400 बेड हैं, एक बेड का जो खर्चा आ रहा है उसका आ रहा है मान लीजिए 500 रुपये। ठीक, अब टोटल इस्टीमेट अगर हम लोग कर रहे हैं तो कितना रुपये आ जाएगा, प्राइस निकालेंगे तो 500 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल हॉस्पिटल की प्राइस मिल जाएगी ना। तो ये इसीलिए अप्रॉक्सीमेट इस्टीमेट इसे कहते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है, लगभग में देता है, उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होता, उतना ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट ही हमें नहीं दे पाता। और ये प्रिलिमिनरी एस्टीमेट है तो इसको हम लोग सिर्फ प्रपोजल लेने के लिए तैयार करते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट, यानी कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। अब इस एस्टीमेट के साथ हम लोग जो प्रपोजल जब भेजते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। फर्स्ट कौन सा होता है, डिटेल रिपोर्ट, उस एस्टीमेट की डिटेल रिपोर्ट होगी उसको अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद साइट प्लान, उस एरिया का साइट प्लान क्या होगा, साइट प्लान के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है कि साइट प्लान क्या होता है। ठीक, उसमें भूमि के अधिग्रहण एक्विजिशन, विद्युत एवं जल सप्लाई का प्रोविजन शुद्ध रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि कहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कहाँ से वाटर सप्लाई मिलेगी, इन सभी चीज़ों का जो प्रोविज़न है उसमें मेंशन होना चाहिए। इतनी चीज़ें आप लोग अप्रोक्सीमेट इस्टीमेट के साथ अटैच करके तब प्रपोजल आप लोग सक्षम प्राधिकारी से के पास भेजेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिटेल्ड इस्टीमेट। अब ये डिटेल्ड इस्टीमेट क्या होता है, तो हम लोग ने पहले अप्रोक्सीमेट इस्टीमेट किया यानी कि प्रिलिमिनरली इस्टीमेट किया। अब उस इस्टीमेट को करने के बाद हमने क्या किया था, सक्षम मंजूरी अधिकारी के पास उसको भेजा था, इसीलिए उसको हमने किया था कि वहाँ से प्रपोजल मिल जाए।
जब प्रपोजल मिल जाए, जब वो अधिकारी आपसे बोल दे कि जाइए आप बनवा सकते हैं, आप कर सकते हैं, वहाँ से अप्रूवल जब प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद हम लोग जो एस्टीमेट तैयार करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिटेल्ड एस्टीमेट बोलेंगे। यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट हमने तैयार किया उसे हम लोग रफ कॉस्ट एस्टीमेट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो रफली है। तो रफ कॉस्ट एस्टीमेट पर प्रशासनिक अप्रूवल प्राप्त होने के बाद, यानी जो सक्षम मंजूरी अधिकारी है उसने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद जो हम लोग एस्टीमेट तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें तो हम लोग सिर्फ वैसे प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं रफली कि कितना लगेगा। अब इसमें हम लोग क्या कौन कौन सा काम करते हैं, तो इसमें हम लोग उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, चाहे बिल्डिंग बना रहे हों, चाहे रोड बना रहे हों, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करने के लिए, उसमें जो भी आइटम हम लोग यूज करेंगे, जितना भी मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, जो भी आइटम हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, उसकी क्वांटिटीज़ का पता करेंगे, कितनी मात्रा में वो लगेंगी उसका पता लगाएंगे, प्लस उस पर्टिकुलर वस्तु की कितनी लागत होगी। जैसे हम लोगों ने सैंड कैलकुलेट किया, एग्रीगेट किया, बार किए, और भी जो भी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसमें प्रत्येक वस्तु की लागत क्या होगी उसको हम लोग निर्धारित करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट के अंतर्गत करते हैं। यह जो एस्टीमेट होता है ये दो स्टेजेस में तैयार किया जाता है। इन दोनों स्टेजेस को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट से रिलेटेड कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक, और चीज़ें इससे रिलेटेड क्या हैं, जैसे जो टेक्निकल सैंक्शन यानी तकनीकी मंजूरी होती है वो डिटेल्ड एस्टीमेट पर ही दी जाती है। ठीक, तो ये टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो इसको जो मंजूरी देता है, मतलब कि चाहिए अब आपका एकदम से पास हो गया, तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो जो इस पर मंजूरी देता है वो किस एस्टीमेट को देखता है, वो डिटेल्ड एस्टीमेट को देखता है, तभी वो मंजूरी देता है। अभी तो आपने सिर्फ बनवाने के लिए मंजूरी ली थी, अभी आपको इसको अप्रूव्ड कराना पड़ेगा किससे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, जो कि टेक्निकल सेंक्शन होता है, तकनीकी मंजूरी से बोलते हैं। तो किस पर आपको मिलेगी, डिटेल्ड एस्टीमेट पर मिलेगी। ठीक, अब ये जो डिटेल्ड एस्टीमेट होता है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक, तो इसमें कौन सा होता है, रिपोर्ट होगी, ठीक, स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है वो भी होगा, उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का प्लान होगा, उसके विभिन्न सेक्शन की ड्राइंग होगी, की तथा इंडेक्स प्लान को दर्शाते हुए डिटेल ड्राइंग होगी। ठीक, ऐसे नहीं कि वैसे बना दिए ड्राइंग, इसमें आपको की पॉइंट जो जो होंगे, मतलब जहाँ जहाँ सेक्शन लिया जा सकता है बढ़िया बढ़िया जगह, वहाँ की आपको ड्राइंग देनी पड़ेगी, प्लस जो हम लोग डिजाइन डेटा है एवं उसकी गणनाएँ, कितना कितना हम लोगों को डिजाइन करने में लगेगा, उसकी कैलकुलेशन, उन सब के रिपोर्ट, एस्टीमेट में अपनाई गई रेटें, किस रेट पर कौन सा हम लोग, किस रेट पर हम लोग कौन सी चीज़ को कैलकुलेट किए, उन सब का रेट, उसका एस्टीमेट में जो भी हो उसको, उसकी एक रिपोर्ट रहेगी, वो भी इसमें सम्मिलित होगा। ये इतनी जानकारी तो डिटेल एस्टीमेट से रिलेटेड थी। अब हम लोग डिटेल एस्टीमेट को दो स्टेजेस में करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो स्टेजेस में करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, माप और मात्राओं की गणनाओं का ब्यौरा करते हैं, यानी कि जो उसमें मटेरियल यूज होने वाला है, कितना यूज होने वाला है, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, उन सभी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं किसमें, फर्स्ट स्टेज में। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं, आइए समझ लेते हैं। जो पूरा का पूरा वर्क है तथा वर्क के विभिन्न आइटम्स में विभाजित होता है, जो कंप्लीट वर्क होता है वो कई, जैसे कि अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीटिंग कार हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, आरसीसी हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, इतनी सारी चीज़ें अलग अलग मतलब कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। पूरा वर्क एक साथ तो होता नहीं, अलग अलग होता है, जैसे पहले अर्थ वर्क हो गया, फिर कंक्रीटिंग उसमें हो गई, फिर ब्रिक वर्क करेंगे, फिर फ्लोरिंग होगा, फिर आरसीसी वॉल बनाया जाएगा, प्लास्टरिंग होगा, सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग, सेक्शन बाई सेक्शन, पार्ट बाई पार्ट होता रहता है। अब इनका मेजरमेंट का जो ब्यौरा है कहाँ से मिलता है, हमें ड्राइंग से लिया जाता है, और इन माप को पहले से बनाए हुए कॉलम के सापेक्ष इंटर किया जाता है।
कॉलम कैसे बनता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। कैसे हम लोग मतलब कैलकुलेट करेंगे मटेरियल्स, उसके लिए कॉलम है। फर्स्ट स्टेज में हम यही काम करते हैं, कौन सा मटेरियल कितना लगने वाला है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं आइए समझते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे एस नंबर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे वन, मतलब मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट वर्क है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, कौन सा काम किए, जैसे अर्थ वर्क किए, कितना किए उसको एंटर करेंगे, मान लीजिए वन किए। लेंथ कितनी थी, 5 मीटर मान लीजिए। वेट्स कितनी थी, 2 मीटर। हाइट कितनी थी, 3 मीटर। ठीक, मान लेते हैं। अब टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा, इन सभी को गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 या 15 एकम 15। अब ये मीटर मीटर में है तो 15 मीटर क्यूब। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा काम हुआ, फिर ब्रिक वर्क, दूसरा काम मान लेते हैं कौन सा है, ब्रिक वर्क है। ठीक, अब ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कितनी वाल का कर रहे हैं, मान लीजिए एक वाल का। कितनी लंबी है वाल, 10 मीटर की। चौड़ाई कितनी है उसकी, मान लीजिए हाफ हाफ मीटर चौड़ी है। ठीक, हाइट कितनी है, हाइट मान लीजिए है 3 मीटर। ठीक, 3 मीटर हाइट है, लेंथ है 10 मीटर, हाफ मीटर चौड़ाई है। एक बात ध्यान रखिएगा, लेंथ विड्थ हाइट इन तीनों को एक ही यूनिट में लिखिएगा, अगर फिट में लिख रहे हैं तो फिट में ही, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। अब टोटल क्वांटिटी कितना आएगा, 10 या 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 मीटर क्यूब। तो ब्रिक वर्क कितना लगना है, 15 मीटर क्यूब। इस प्रकार से हम लोग डिटेल एस्टीमेट करते हैं, वही फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेट किया है क्वांटिटी कि कितना क्वांटिटी लगेगी पर्टिकुलर आइटम की। ठीक, जैसे मान लिया हम ब्रिक का कैलकुलेट किया, कितना ब्रिक लगेगा तो 15 मीटर क्यूब का ब्रिक लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से और आइटम को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है इसका, अगला स्टेज जो होता है ये होता है इस एस्टीमेट कॉस्ट का एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि जो हमने कैलकुलेट किया है क्वांटिटी जैसे 15 मीटर क्यूब, अब इसकी प्राइस क्या होगी। ठीक, इसकी कॉस्ट क्या होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी क्या आने वाली है, पर्टिकुलर रेट हमें पता होगा। जैसे जहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वहाँ पर क्या रेट चल रहा है वो हमें पता होगा। अब क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, उससे रेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, कितना पैसा लगने वाला है पर्टिकुलर वर्क में। ठीक, तो आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझते हैं। इसकी थ्योरी क्या दी हुई है कि वर्क की प्रत्येक वस्तु की लागत को उन मात्राओं से निकाला जाता है जो पहले से ही विवरण माप में गणना की जाती है, जो व्यवहारिक दर रेट पर होती है। ठीक, तो वही कह रहा है कि जो हमने फर्स्ट स्टेज में कैलकुलेट किया क्वांटिटी की कितना कितना लगेगा, अब उसको हम लोग कैसे उसकी रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, वही दिया हुआ है इसमें, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट फॉर्म कहते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी ऐसे कॉलम बनाया जाता है। ठीक, इसमें हम लोग आइटम नंबर लिखेंगे, वहाँ पर ऊपर लिखा था ना, तो उसी आइटम नंबर लिखेंगे। मान लीजिए वन है, क्या कर रहे थे हम लोग, ब्रिक वर्क। क्वांटिटी कितनी लगी थी, 15 मीटर क्यूब। कितना यूनिट था, मतलब एक यूनिट कितनी यूनिट है, जैसे 15 15 मीटर का कितना यूनिट है, मान लीजिए 2 यूनिट थी। ठीक, एक यूनिट का रेट कितना है, एक यूनिट का रेट कितना है, टोटल रेट यहाँ पर लिख दें, अमाउंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा। पर यूनिट रेट जो है ये 2 बार लिख चुका है, इसको ऐसे रहने दीजिए। पर यूनिट रेट इसका कितना है, मान लीजिए कि 500 रुपये है। ठीक, 15 मीटर क्यूब की क्वांटिटी लगी है, 2 यूनिट है, पर यूनिट का रेट 500 रुपये है, तो टोटल इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा 15 दूना 30 पंचे 150, 15,000 रुपये। ठीक, इस प्रकार से इसे दूसरा कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कंक्रीटिंग किया है, कंक्रीटिंग कितने का किया है, 20 मीटर क्यूब की कंक्रीटिंग हुई, कितना यूनिट की, 4 यूनिट का। ठीक, पर यूनिट रेट कितना था, 20 रुपये, मान लेते हैं इतना होता नहीं, बहुत ज़्यादा होता है,
तो इसका रेट ऐसे मल्टीप्लाई करने के पता लग जाएगा, 2 चौका 8 दूनी 16, 1600। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, डिटेल एस्टिमेट के फर्स्ट स्टेज में हमने क्वांटिटी को कैलकुलेट किया, कितनी क्वांटिटी में क्या लगने वाला है, और सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, उसकी कॉस्ट पता कर ली। कॉस्ट कैसे पता किया, क्वांटिटी को उसके रेट से मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट पता कर ली। नेक्स्ट आता है आपका एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, ये क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे बिल्डिंग बना दिए आप, रोड बना दिए, ठीक, तो इन रोड की या बिल्डिंग की मेंटेनेंस की तो आवश्यकता होती ही होती है, तो उसके लिए हम लोग एनुअल रिपेयर मतलब करवाते ही हैं, तो उसके लिए अलग से एस्टीमेट बनाया जाता है। इस चीज़ को करने के लिए पैसे ऐसे तो नहीं ना मिलेंगे, एस्टीमेट बना के आप देंगे कि यहाँ यहाँ पर गड़बड़ है, तब आपको एनुअल रिपेयर मतलब हर साल आपको ये होता ही होता है, इसके लिए आपका पैसा आता ही आता है एस्टीमेट के लिए, ठीक। तो एनुअल रिपेयर में एस्टीमेट होता है, इसको कैसे होता है, इसमें ये समझ लेते हैं बढ़िया से। जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए एनुअल रिपेयर होना चाहिए बिल्डिंग या रोड को। अब उसको परफेक्ट कंडीशन में अगर हमेशा रखना है तो उसका रिपेयरिंग ज़रूरी होगी, हमेशा रिपेयर करना चाहिए उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट तैयार करते हैं उससे, उसके लिए हमें जिससे पैसा मिल सके। जैसे बिल्डिंग के केस में हम लोग क्या रिपेयर करेंगे, वाइट वॉशिंग करवा दिए, ऑयलिंग या पेंटिंग करवा दिए, किसका, डोर और विंडो का, सीमेंट प्लास्टर की मरम्मत हो गई अंदर या बाहर, फर्श की मरम्मत, इतना काम हम लोग बिल्डिंग के केस में कराते हैं, एनुअल रिपेयर के रूप में इसको रखते हैं। तो उसके लिए हम एस्टीमेट बनाते हैं जिसे एनुअल रिपेयर एस्टीमेट कहते हैं, ठीक। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। अब एनुअल रिपेयर के ऊपर उपरोक्त केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्थिति में यह वार्षिक मरम्मत राशि जो है बिल्डिंग के कैपिटल कॉस्ट के 1/2 से 2% से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब कि जो भी हम लोग एनुअल रिपेयर कर रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो बिल्डिंग की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट से कि 1/2 से 2% से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके बिल्डिंग की कीमत कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक। अब इसका 2% यानी 2/100, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 10,000। यानी कि अगर बिल्डिंग आपकी 5 लाख रुपए की है तो वार्षिक रूप से आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा उसमें नहीं खर्च करना है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए एनुअल रिपेयर एस्टीमेट, ठीक। तो ये रहा आपका एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। दूसरा कौन सा है, दूसरा है स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट, ये भी उसी से रिलेटेड है एनुअल रिपेयर एस्टीमेट से ही। अब ये स्पेशल क्यों बना आइए समझते हैं। जैसे जो वार्षिक मरम्मत निधि से काम नहीं किया जाता, जो वार्षिक मरम्मत हम लोग कर रहे थे, एनुअल रिपेयर कर रहे थे, मान लीजिए आपका जो रोड है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है या कोई और काम हो गया है, पैचेस ज़्यादा बन गए हैं, गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं, आपकी जो बिल्डिंग है उसमें कोई नया दरवाज़ा खोलना है, फर्श बदलनी है, दीवार का पूरा प्लास्टर करना है, अलग से जो एक्स्ट्रा काम आ गए हैं उसको अगर आपको करना है तो उसके लिए चूँकि 2% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए एनुअल रिपेयर, तो उतने में तो आप करवा नहीं सकते। तो एक स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट करते हैं हम लोग और बनाते हैं उससे, जिससे और पैसा आपको मिल सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि कुछ कारणों से वार्षिक मरम्मत निधि से काम नहीं किया जा सकता, यानी जो आपको एनुअल रिपेयर के लिए पैसा मिल रहा था उससे आप नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लागत में वास्तविक वृद्धि हुई है, तो हम लोग स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट तैयार करते हैं, ठीक। जैसे बिल्डिंग के केस में हम किन चीज़ों का रिपेयर करते हैं, नए दरवाजे खोल सकते हैं, फर्श बदल सकते हैं, दीवारों का पुनः प्लास्टर करना हो गया, ठीक। रोड के केस में, रोड के फुल सरफेस पर झुर्री या गड्ढे हो गए हों जैसे, तो उसको पूरी तरह से सेक्रीफाइस किया जाना है, पुराने मेटल को बाहर कर लिया जाता है और अधिक मेटल मिलाकर पुनः कंसोलिडेट करके टॉप सरफेस को पुनः पेंट कर दिया जाता है।
ये सारे काम हम लोग किस में करते हैं, स्पेशल रिपेयर में करते हैं। तो इसके लिए जो पैसा होता है उसके लिए जो एस्टीमेट बनाते हैं उसे हम लोग स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब ये रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एस्टीमेट किया, ठीक, एस्टीमेट जब आपने किया तो उसका जो रेट आया वो रेट और प्लस जो खुले बाज़ार की रेट है, यानी जो खुले बाज़ार की रेट है उनकी रेट, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अगर 5% से क्या हो जाए, 5% से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, हम लोग रिवाइज्ड एस्टीमेट कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट बोला जाता है। यानी कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए यदि दिए गए दर से खुले बाज़ार की दर में अंतर जो हो 5% से अधिक हो जाए तो पुनः एस्टीमेट तैयार करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट कहते हैं। जैसे आपने पहले एस्टीमेट किया उससे कीमत आई मान लीजिए 5 लाख रुपए, ठीक। अब जो खुले बाज़ार की रेट के हिसाब से जो एस्टीमेट होगा उसकी रेट आ जाती है मान लीजिए कि 5% का डिफरेंस हो जाए दोनों के बीच में, मान लीजिए आ जाए 6 लाख, तो 5% से ज़्यादा आ गई ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज एस्टीमेट कर देंगे तुरंत। कौन सा एस्टीमेट कर देंगे, रिवाइज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टीमेट बोलते हैं। जब हम लोग हमारा रेट खुले बाज़ार की रेट से दोनों में डिफरेंस 5% से अधिक हो जाता है तो जो एस्टीमेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टीमेट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अब ये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आप कोई निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जब आप ये बिल्डिंग मान लीजिए बनवा रहे थे, ठीक। अब इसमें आपको एक रूम है, रूम में अलमारी देना चाहिए, बहुत लोग देते हैं बहुत लोग नहीं देते, मान लीजिए कि देना चाहिए था लेकिन जब आपने इस्टीमेट किया तो इस अलमारी को जो है आपने सम्मिलित नहीं किया, ठीक। जब आपने इस्टीमेट किया तो अलमारी को सम्मिलित ना करते हुए किया। अब जब आपका कार्य चल रहा है, जब आप बिल्डिंग को पूरा बनवा रहे हैं और आपके दिमाग में आ जाता है कि अलमारी भी बनवानी है अभी, तो उस समय फिर से अलमारी भी बनवाएंगे आप, तो उस समय जो एस्टीमेट करना पड़ेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, पूरक प्राक्कलन बोलेंगे। फिर से समझ लेते हैं एक बार। जैसे क्या हुआ कि जब पहले एस्टीमेट आपने किया, निर्माण कार्य जैसे आप करवा रहे हैं कोई निर्माण कार्य, तो एस्टीमेट करवाएंगे, जो एस्टीमेट आपने किया, ठीक है। अब उसका कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है उस दौरान अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा काम आ जाता है जो आपने एस्टीमेट करवाते समय नहीं दिया था या आपके दिमाग में नहीं आया था, अब वो दिमाग में आया और उसको करवाना भी आवश्यक हो, तो क्या करोगे, तो उस कार्य को करवाओगे, करवाओगे तो पुनः एस्टीमेट बनाएंगे एक और, जिसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है, किसी भी निर्माण कार्य को करते समय यदि किसी मद को विचार में ना लिया गया हो तथा कार्य के दौरान विचार में आ जाए तो उसका जो निर्माण है आवश्यक हो जाता है कराना, उसके लिए पूरक प्राक्कलन तैयार किया जाता है। तो यही आपका जो एस्टीमेट हम लोग करते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट या पूरक प्राक्कलन कहलाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस में वैसे है नहीं। ये जो कंप्लीट एस्टीमेट होता है हम किसे कहेंगे, कंप्लीट एस्टीमेट में कौन कौन सी चीज़ों की कॉस्ट सम्मिलित होती है उसको हम लोग आइए समझ लेते हैं, जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे जो कंप्लीट एस्टीमेट होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसमें क्या होता है, पहला नंबर पे कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड जिस पर आप लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है, ज़मीन की वास्तविक लागत क्या है, प्लस उस ज़मीन का सर्वे करने में कितना खर्चा आया, डील और एजुकेशन की जो डेट्स होती हैं उनका वेरिफिकेशन की कितनी कॉस्ट आई, अगर कोई ब्रोकरेज हो तो वो भी, ये सारी चीज़ें किसमें सम्मिलित होती हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर, ठीक। दूसरा आता है कंटिंजेंसीज, फुटकर वे, ये जो एक टेक्निकल टर्म है इसको हम लोग आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे क्या होता है कंटिंजेंसी। जैसे समझ लीजिए 3 से 5% लिया जाता है टोटल कॉस्ट का,
मतलब फुटकर वे होता है जैसे जिसका खर्चा हम लोग सम्मिलित नहीं करते एस्टीमेट में और बाद में खर्चा हो जाता है, तो कंटिंजेंसी जो होता है आगे हम लोग समझेंगे क्या होता है, तो उसका भी 3 से 5% होता है, वो भी सम्मिलित होता है कंपनी एस्टीमेट में। नेक्स्ट होता है लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा है, ऑनर करवा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना रुपये एक्स्ट्रा लेता है लीगल एक्सपेंसेस खर्च जो लेता है अपना, 10% टोटल कॉस्ट का 10% कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए प्रॉफिट के रूप में, वो भी खर्चा होता है इसी में। नेक्स्ट क्या होता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उस कंस्ट्रक्शन को करवाने में कितनी लागत लगी वो, अब उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंसल्टिंग इंजीनियर फीस, जो भी इंजीनियर को कंसल्ट करेंगे आप लोग उसकी फ़ीस, मटेरियल की फ़ीस, लेबर की फ़ीस, कॉस्ट जितना भी लगेगा आपका वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। तो एक कंप्लीट इस्टीमेट करने के लिए हमारे पास इतनी चीज़ें की कॉस्ट होती है। एक कंप्लीट इस्टीमेट में कॉस्ट ऑफ लैंड सम्मिलित होता है, फुटकर वे, लीगल एक्सपेंसेस ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो 10% होता है, 3.5% फुटकर वे होता है, उस लैंड की कॉस्ट क्या है प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लगेगा, इन सब को मिलाकर जितना पैसा लगता है उसे कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ आज। अब तीसरा चैप्टर है मेजरमेंट, उसको हम लोग आने वाली वीडियो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर मन में कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर इसका रिप्लाई आपके पास जाएगा। ओके, थैंक यू। We'll be right back.